नमस्कार मित्रों, आप जान रहे हैं कि इस समय 21 दिनों का जो लॉकडाउन चल रहा है उससे पूरा देश ठहरा हुआ है। और देश क्या कहें, ये अपने आप में एक ऐसी महामारी है, कोरोना वायरस, जिसको लेकर के दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ठहरा हुआ है। और हम सब लोग जबकि घरों में कैद हैं, राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर के हमने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। और सबसे बड़ा सवाल आजकल ये है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर हम लोग लगातार व्यस्त रहे हैं। और हम अगर आपकी भी बातें करें तो आप भी अपना जो रूटीन का जो लाइफ रहा है उसमें लगातार व्यस्तता के बाद ये जो ठहराव का क्षण है उसमें क्या करें। हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने कुछ कोई फिल्में देख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अखबार बंद है, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा करके लोग अखबारों को देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन दिनों कुछ खास किताबें पढ़ लिख रहा हूँ। उनमें से कई किताबें तो ऐसी हैं जो मेरे दोस्तों ने भेजी हैं। उनमें से एक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, चंबल के इलाकों के बहुत ही सघन जानकार हैं, आदर्श गुप्ता। उन्होंने एक पीले सरसों का देश, ये जो किताब है मैं दिखाना चाहूँगा, पीले सोने का देश, पीला सोना जो है वो सरसों को कहते हैं। और चंबल का जो पूरा इलाका है आप जानते हैं कि वो डाकूग्रस्त इलाका रहा है बहुत लंबे समय तक। लेकिन एक नहर बनी, चंबल आयाकट नहर, उसके बनने के बाद पूरे इलाके में खेती बाड़ी की तस्वीर क्या बदली, किस तरह से बदलाव आए। एक ही किताब है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, अभी अभी ये आई है, तो इसको मैंने, क्योंकि शायद सामान्य स्थिति होती तो मैं इसको ना पढ़ पाता, और लेकिन मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा है कि पूरा एक ऐसा इलाका, हमारी जो पार्लियामेंट बनी है आज, जो जिस बिल्डिंग को हम देखते हैं गोल, इसी इलाके की एक ऐसी जो धरोहर है वहाँ से एक तरह से कॉपी किया गया है, जिसको पार्लियामेंट बनाने में उसकी पूरी लुटियन वहाँ गए थे मुरैना में। और उन्होंने जो इमारत देखी जिसको 64 योगिनी मंदिर कहते हैं, बेसिकली वो उसी आधार पर एक तरह से बनाया गया। ऐसे ऐसे बहुत शानदार धरोहरें हुई है वहाँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं चंबल घाटी में, और आज डाकूग्रस्त इलाका नहीं है। और जो दूसरी किताब है, जो झांसी की रानी है, महाश्वेता देवी की किताब है, आप सब जानते हैं कि महाश्वेता जी जो कि इस समय दुनिया में नहीं है, और उन्होंने, वो ऐसी लेखिका है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला, और लेखन के क्षेत्र में भी उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। उनकी पहली रचना है झांसी की रानी, और अगर आप इसके प्राकथन में जाएंगे तो एक लेखिका के तौर पर एकदम यंग रहने के दौरान उन्होंने किस तरह से पूरे के पूरे बुंदेलखंड इलाके का दौरा किया, जाना समझा, और ये सारा, मतलब लेखक, उनकी पहली रचना है, बहुत ही शानदार रचना है, जिसमें ये उपन्यास है वैसे तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक उपन्यास की तैयारी में एक उपन्यासकार को क्या क्या करना पड़ा है, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मैं स्टैंडिंग कमेटियों की रिपोर्टों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब संसद का जो वित्त, जो बजट का सेशन चला है पिछले दिनों, वो दो हिस्सों में चला है, तो जो पहला हिस्सा बीता उसके बाद का जो दौर था उसमें स्टैंडिंग कमेटियों ने अनुदान मांगों के बारे में जिस तरह से गहन पड़ताल की, और हमारे चेयरमैन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने उन कमेटियों की रिपोर्टों के बारे में बड़ी सराहना की, तो राज्यसभा की जो 8 कमेटियां हैं विभाग संबंधी, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दी है, किस तरह से इनडेप्थ स्टडी की है जा करके, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में उन पर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे पहलू हैं जो अगर आप देखेंगे उन कमेटियों की रिपोर्टों में, कुछ तो कमेटियां जो कि ऑनलाइन जा करके भी आप राज्यसभा.nic.in पर अगर आप जाएंगे तो स्टैंडिंग कमेटियों की इन रिपोर्टों को देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो एक आखिरी चलते चलते जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि इस समय पूरी दुनिया भले ठहरी हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि लगातार कामकाज कर रहा है, और वही है जिसके नाते हम आप जो है जिंदा हैं, वो है किसान कम्युनिटी। और छोटी मोटी आबादी नहीं है, भारत में अभी भी 56% के करीब लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, और अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कुछ भी फल सब्जियाँ इस तरह के उत्पाद पहुँच रहे हैं उनमें उनका योगदान है। और आपने बहुत सारी खबरें इस बीच में देखी होंगी कि शहरों से ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जहाँ भी आपको ऐसी खबर मिले, आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन जो है अलग अलग जगहों पर वो उनकी सहायता के लिए, उनके मदद के लिए
प्रयासरत हैं, आपको भी यह खबर मिले कि इस तरह के लोग हैं जिनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, उनको मदद करने के लिए जहाँ भी आप मदद कर सकते हैं कर सकते हैं। और सूचनाएं अगर आप नहीं पहुंचा सकते एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आप हम लोगों को सूचनाएं दीजिए, हम लोग उनको सही जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मजदूर हैं जो कि गांव से शहरों की ओर एक अच्छी उम्मीद अच्छी ज़िंदगी की तलाश के लिए आए हुए थे, उनके दुख को कम करने में, क्योंकि वो साधन नहीं मिल रहे हैं, यातायात के साधन नहीं मिले, शहर में सब कुछ बंद हो गया है, वो अपने गाँव को निकल पड़े हैं, तो उनकी पीड़ा को शायद हम लोग अगर कुछ कम कर सकें तो ये भी हमारा जो श्रम है, जो हमारा जो समय बीत रहा है, उनमें एक सार्थक योगदान होगा। और इस तरह से बहुत सारी बातें हम समय समय पर आपसे करेंगे। नमस्कार, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और इस बीच में जो समय मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, अभी नेशनल बुक ट्रस्ट का एक आखिरी बार मैं बताना चाहूँगा, नेशनल बुक ट्रस्ट ने की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ किताबें हैं जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और बहुत छोटी छोटी किताबें, बहुत बड़ी नहीं हैं, तो आप इस तरह से पढ़ लिख करके, क्योंकि बहुत सही कहा गया है कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, जब सारे दोस्त जो है दूर हो जाते हैं तो वो काम आती हैं, तो हमें लगता है कि किताबें पढ़िए। और इन उन लोगों को जो हमें खाद्य सुरक्षा जो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, उन किसानों की याद करिए, मजदूरों को याद करिए, और उनको उनके प्रति भी उसी तरह का आभार जताइए जैसे हम अपने डॉक्टरों के बारे में और एसेंशियल सर्विसेज के बारे में जो लोग काम कर रहे हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।